हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी बज रहे हैं रात के 12:30 एंड आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोना मेक वन वीडियो जहां पे मैं सुबह 5 बजे उठूंगी। ऐसा तभी होता है जब अभिलाषा के सर पे टेंशन होती है, और वो टेंशन होती है यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले गाइस। उसके बाद मैं कभी भी 5 बजे नहीं उठती हूँ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल, यू नो, जैसे पिंटरेस्ट पे दिखाते हैं। बट गाइस, मेरा 3-4 दिन से ना ऐसा स्लीपिंग साइकिल थोड़ा एफ्ड अप हो चुका है। सो आई वॉन्टेड टू यू नो बी प्रोडक्टिव, तो मैंने गलती से कहीं सर्च कर लिया होगा एंड मेरे को ऐसे रिकमेंडेशन आ रहे थे, वेकअप एट 5 AM, आपका लाइफ एकदम सुधर जाएगा, ये वो। तो मैंने सोचा मेरे जैसे इंसान के लिए, एंड आई नो आप लोग भी मेरे जैसे हो, मैंने सोचा आई एम गोना टेस्ट इट आउट एंड आई विल सी कि इज इट रियली वर्थ वेकिंग अप एट 5 AM और ये बस ऐसे चोचले हैं। तो अगर आपको जानना है तो बने रहिए मेरे चैनल में, हम आपसे सुबह 5 बजे मिलते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं सोई तो मैं कल कॉलेज भी नहीं जा पाऊंगी। सो गाइज, गुड नाइट, आई एम गोना सी यू टुमारो एट 5 AM। बाय। Next morning. I just got freshen up and ना मेरे को बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। अभी बज रहे हैं ना कुछ, क्या कहते हैं, 6:45 या 6:10 हो रहे हैं एंड आई एम फीलिंग सो स्लीपी। एंड अभी मुझे याद आया कि मैंने ना अपने कपड़े भी नहीं प्रेस किए हैं जो मुझे पहन के जाना है, मतलब यूनिफॉर्म, तो मुझे वो भी प्रेस करना है गाइस। विश मी लक, लेट मी प्रेस दिस। पहन ली है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माय हेयर। अब मैं अपने बाल बहा लेती हूँ, तैयार हो चुकी हूँ और 1 किलो का सनस्क्रीन लगा के अब मैं जा रही हूँ कॉलेज, क्योंकि मैं लेट नहीं हो सकती, नहीं तो मेरा अटेंडेंस कट जाएगा। स्ट्रगल ऑफ MBBS, चलो चलते हैं। आप लोगों को पता है कि आई एम गोइंग होम फॉर दिवाली एंड आई जस्ट वॉन्ट टू यू नो पैम्पर माई सेल्फ। एंड गाइज, लेटली मेरे को ना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन और क्या कहते हैं टैनिंग हो गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप में चलना पड़ता है। तो इसीलिए दिवाली में अपनी स्किन को ग्लोई बनाने के लिए आई हैव इनकॉर्पोरेटेड डर्माकोस 10% विटामिन सी फेस सीरम इन माई स्किन केयर। आप लोगों को पता है कि मैं कितना ज़्यादा इससे प्यार करती हूँ एंड इसके अंदर ना विटामिन सी एंड नियासिनमाइड है, तो आपके पिगमेंटेशन और डल स्किन को एकदम एफर्टलेसली ट्रीट करेगा। आपको बस इसका यू नो 2-3 ड्रॉप्स लेना है, तो मसाज जेंटली ऑन योर स्किन एंड गाइज डोंट फॉरगेट द नेक। कैन यू गाइज सी हाउ इंस्टेंटली इट ब्राइटन्स योर स्किन। मैं इसको 1 वीक से लगा रही हूँ, पहले मेरे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स थे, अभी ये लाइटन हो गए एंड अभी मैं एक और वीक लगाऊंगी एंड इट विल यू नो शो अप द रिजल्ट, आपके पिगमेंटेशन एकदम से गायब हो जाएगा। दैट्स वाई दिस इज माई होली ग्रेल। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी एज यू ऑल नो इज सनस्क्रीन, एंड मार्केट में इतने ज़्यादा मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है बट वो आपके स्किन पर ना ऐसे हैवी फील होते हैं और वाइट कास्ट छोड़ के जाते हैं। इसीलिए आई ऑलवेज गो फॉर डर्माकोस अल्ट्रा लाइट जिंक मिनरल सनस्क्रीन। इट हैज SPF 50 एंड PA++ शील्ड, जो आपको क्या कहते हैं UVA एंड UVB से बचाएगा। यू जस्ट हैव टू टेक 2-3 ड्रॉप्स एंड यू नो जेंटली अप्लाई ऑल ओवर योर फेस। एंड गाइज, इसके अंदर ना 25% जिंक ऑक्साइड है जो कि आपको राइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, नॉट फील यू नो ग्रीसीनेस ऑन योर स्किन एज विद द अदर सनस्क्रीन। सो गाइज, दिस सनस्क्रीन इज वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट। शो यू द क्विक टेस्ट, एज यू ऑल नो आई हैव अप्लाइड दिस साइड द डर्माकोस सनस्क्रीन, नाउ आई एम गोना अप्लाई हियर द अदर सनस्क्रीन एंड शो यू द डिफरेंस। आई एम गोना पुट वाटर हियर। If this sunscreen is water resistant, beside the other sunscreen completely melts in water. Sunscreen pass with flying colors. So I'm gonna provide all of these products in my description. So do check them out and also do a patch test before trying it out on your face. These products are available on Nykaa, Amazon, and Flipkart. But
If you buy these products from Dermacos website, you can use my coupon code, that is Dinky2023, to avail extra 20% discount. And guys, buying these products, you can be a part of Dermacos great initiative. That is, Dermaco has, you know, empowered 10,000 plus young children with their Young Scientist Initiative program. And also guys, every time you buy a product, they're gonna link your order to a child which they will help in educating along with Bhumi. So yeah guys, go buy these products and happy shopping. Guys, I slept in the mat posting and now it's pediatrics and I'm super tired already. I should have woken up at 5 o'clock. Look at this. My motor friend is coming. My motor friend is coming. Yaar, kya hai baba ji ka? Guys, main aaj se keh rahi hoon ki mere muh ka fat kam hua hai. Iska bhi hua hai ki hum dono बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं. आपको लंच ब्रेक में दिखाऊंगी आज ने क्या खाती है. अटेंडेंस टाइम, वो घड़ी आ चुकी है जिसका हमें इंतज़ार था. आज ने से समथिंग नाइस अबाउट मी प्लीज़ यार, से समथिंग नाइस. ये मेरा ना अंटीना खड़ा हो जा रहा है बार बार. ए माय अटेंडेंस प्रेजेंट. तो लंच ब्रेक एंड मैंने सुबह चार इडली खाई थी तो मेरे ना अंदर में जगह नहीं है एंड आई एम ऑन डाइट सो वी आर हैविंग ग्रीन टी फॉर द लंच. एंड मोटू क्या खा रहे थे तो मैं आपको दिखाती. डाइटिशियन के एक डाइट वाले लोग क्या करते हैं और बिना डाइट वाले. शी गोज टू जिम. इट इज फुल ऑफ प्रोटीन. दिस गर्ल इज ईटिंग समोसा and I am feeling like having samosa. But अगर मैं समोसा खा रही तो मेरा डाइट खराब हो जाएगा. तो मैं खाऊं या ना खाऊं? Don't eat. Don't. I am dieting. Look at my neck. It's visible now. My neck is off. Guys, हमारे technician भैया chatting करते हैं girlfriend से. उसकी देखे थी. इतना चैट ही कर रहे हैं. चैट नहीं. माय गॉड, अकेले रहा नहीं जाता. लुक एट हिज बॉडी लैंग्वेज. आई विल डिस्ट्रैक्ट हिम. ओके, ही इज नॉट गोइंग. आई एम गोना डिस्ट्रैक्ट हिम. मेरी तरफ देख ही नहीं रहा. मैं आपकी तरफ कैसे घूर रहा देख. Guys, it's last period and we have seminar. We are in seminar room and we see, this is our class and this is our classroom and he's making fun of me because I'm a vlogger. I earn money through vlogging, so he's making fun of me. This guy never gives me proxy also. Siddhita, say hi to my vlog. You got these flowers for Suprita. I'm single. She's single and ready to mingle. Please, I need one boyfriend so I can give this flower. Finally guys, back home and I'm super happy क्योंकि आज का स्काई कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. बट इसलिए मैं हैप्पी नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है. मैं जाके पाव भाजी खाऊंगी जो प्रज्ञा ने बनाई है. 2000 years later. चेंज इन टू माई क्लोथ्स. ओ जी क्लोथ्स जो कि है पैजामा जो सूट का है और ऊपर टी शर्ट पहनी हुई है जो कि बाबा आदम के ज़माने की है. जब मैं नीट की तैयारी करी तब मैंने ये टी शर्ट ली थी तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी. बट मैंने बता दिया गाइस. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी. तो मैं सोच रही हूँ, मतलब मेरा गंदा दिमाग सोच रहा है कि नैप ले लेते हैं, उठते हैं. क्योंकि उठने के बाद मेरे को बहुत 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 ज़्यादा पढ़ाई भी करनी है. मेरे को और बहुत सारे काम है. पढ़ाई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि मेरे मतलब आईए हैं तो इसलिए. बट अभी मेरे ना एकदम आउट ऑफ फोकस हो गया दिमाग. मतलब मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी पी लूँ तो कॉफ़ी से मेरे को नींद आती है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ खा लूँ कॉफ़ी. बट फिर मेरा दिल कह रहा है कि सो जाए घंटे. तो मैं अपने दिल की सुनने जा रही हूँ गाइस एंड आई एम गोइंग टू स्लीप एंड आई विल सी यू आफ्टर 1 आवर. इसलिए स्लेप फॉर 1 आवर. एंड ऑल्सो गाइस उसके बाद मैं सो नहीं पाई क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा फ़ोन आने लगी कि मैं क्या बताऊँ. क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें मंगाई थी. सबसे पहले तो मेरे मैरो के नोट्स आ गए हैं. बहुत सोचने के बाद, समझने के बाद मैंने सोचा कि यार मैम मेडिसिन और ये सब करना वो लिख, यू नो, लिखने से आपको ज़्यादा मतलब वो रहता है. बट इतना ज़्यादा है गाइस,
और मेरे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम इतने पास हैं कि मेरी फट गई लिटरल में. एंड आई थॉट लाइक लेट्स ऑर्डर दैट नोट्स. तो मैंने वो मंगाया एंड वो डिलीवर हुआ है. तो अभी जाके मैं अनबॉक्स करूँगी क्योंकि मुझे चाहिए उसमें से मेरे फाइनल ईयर के क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स. एंड मैंने सारे ऑर्डर किए. वैसे मेरे पास सारे नहीं थे, मतलब मैं आई यूज़ टू लाइक राइट माई ओन नोट्स. मैंने लिखे भी हैं बट लास्ट मोमेंट के लिए, मतलब कुछ लेक्चर्स बचे हैं जिसमें मुझे लिखने का मन नहीं करता. एंड मेरे पास आईपैड है बट आई एम नॉट अ आईपैड स्टूडेंट. आई एम अ ओल्ड सोल गाइस. आई लाइक राइटिंग एंड रीडिंग एंड ऑल्सो अंडरलाइनिंग. सो इसलिए मैंने मंगा लिए. एंड ऑल्सो आप लोग देख रहे होंगे मैंने ये लिपस्टिक पे कुछ लिपस्टिक करी, मैंने मुँह पे कुछ लगाया क्योंकि मैंने लिपस्टिक बहुत सारी मंगाई क्योंकि मैं जा रही हूँ घर दिवाली पे. तो मैंने ना ये मंगाया था, एक कलर चेंजिंग लिप बाम है जो मैंने लगाई हूँ. एंड एक और है, क्या कहते हैं, ये नायका का जेन शेड है बहुत अच्छा सा. और एक और है, बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी मैंने. एंड ये मंगाया है एक मेबेलिन का. इफ़ यू वांट दिस वॉचेस आप लोग बताना, मैं उसको शॉर्ट्स में डाल दूंगी. एंड एक ये फेसेस कैनेडा का मंगाया था. एंड 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 मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मंगाई थी मेरे हेयर फॉल के लिए. एक तो मैंने मंगाया है ये क्या कहते हैं हेयर सीरम, जो कि ना अभी मैं लगाना स्टार्ट करूँगी फॉर वन मंथ. एंड ऑल्सो अ हेयर मास्क फॉर माई फ्रिजी है. तो ये सब मंगाया था. एंड बाहर रखा हुआ है मैरो का पूरा वो जो नोट्स है, तो चलो लेके आते हैं एंड पढ़ाई करते हैं बिकॉज माई आई इज़ कमिंग देन ओनली आई कैन गो फॉर दिवाली. तो या सांस नहीं आ रही है. फाइनली मैं इसको लेके आ गई. इतना भारी है ये, इतना भारी है. मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, मैंने क्यों MBBS ले लिया, कभी कभी मैं सोचती हूँ. बट कि बचपन से मेरा ही सपना था. बट नेवर माइंड, वी गोना डू इट टुगेदर. खोलते हैं एंड अपना मैं OBG का निकालती हूँ इसमें से बिकॉज आई हैव टू स्टडी समथिंग इन OBG. लेट्स ओपन दिस बेबी गाइस. बाय द वे मेरे कपड़े पड़े हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ ना घर एंड मेरे एग्ज़ाम्स हैं आई. तो उससे पहले मुझे वो धुलना है, पैक करना है. ओह माय गॉड, बाय द वे ये 6.5 वाले हैं, एडिशन वाले हैं. ओह मैन, सारे बच्चे गाइस इसको एकदम स्टार्टिंग में मंगाते हैं बट मेरा दिमाग एकदम लास्ट में चलता है. आई वाज लाइक थिंकिंग कि मैं कर लूँगी, मैं लिख लूँगी मैं सारे नोट्स. एंड आई हैव रिटन ऑल्सो लाइक मोस्ट ऑफ देम बट एट द लास्ट मोमेंट आई जस्ट गेव अप. मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ इसके साथ मुझे गुडीज क्या मिले हैं. सो आई हैव गॉट लाइक, मेरे को स्टेशनरी का बहुत शौक है और फ्री का मिले, वैसे फ्री का नहीं है, पैसे दे के इतना सारा लिया है बट ये मिला है. एंड वी गॉट स्टिकर्स ऑल्सो. एंड I like it also. Now I'm gonna go and study for my IA and I hope you liked today's vlog. And मुझे सुबह उठ के ना बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया एंड एट द सेम टाइम नींद भी आई, इसीलिए मैंने बीच में नींद लिया. बट गाइज ओवरऑल आई फील प्रोडक्टिव एंड अभी मैं ऐसे मेरे को नींद भी अब भी नहीं आ रही है. 1 घंटे का जो नैप लिया था, नाउ आई एम गोना अगेन स्टार्ट स्टडिंग एंड सी यू गाइज टुमारो. तो या आई लाइक दिस चेंज. आई माइट नॉट वेक अप एट 5 AM बट हाँ मैं जल्दी उठने की कोशिश करूँगी ऑन लाइक हॉलीडेज. वैसे मैं 6:30 पे तो वैसे ही उठती हूँ मैं, मतलब नॉर्मल डेज पे. बट या सो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट एट होम. एंड नाउ आई एम गोना गो स्टडी एंड गाइज मैं आपको जल्दी मिलूंगी स्टडी व्लॉग के साथ. एंड उसके बाद बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं मेरे घर के भी एंड लॉट्स ऑफ फन व्लॉग्स. एंड आई एम गोना बी यू नो होपफुली यू नो बी रेगुलर ऑन माई यूट्यूब चैनल होपफुली. सो या गाइज जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं एडिट करके डाल दूंगी. आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन कीप वॉचिंग. बाय एंड लव यू एंड स्टे हैप्पी. बाय एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस इन केस मेरा व्लॉग नहीं आया दिवाली से पहले कोई. तो